हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वर्कशीट है मैथ की। वर्कशीट 6, डेट है 16 तारीख 7 महीना 2021। तुम आज की वर्कशीट में हमें दे रखा है विजय व्यंजकों का गुणन खंडन। देखते हैं विजय व्यंजक को जब हम उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह प्रक्रिया गुणन खंडन कहलाती है। तो हमें ये जो दे रखा है ना, इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो उसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, देखिए बीच में प्लस का साइन आ जाएगा ना, तो वो एक ये पद है और ये एक पद है, अलग अलग होंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा तो देखते हैं इसे कैसे तोड़ें। ये 3 है ना, 3 का तो 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई साइन, फिर ए के ऊपर स्क्वायर है ना, तो उसे हम 2 बार लिखेंगे। किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर स्क्वायर का साइन हो ना तो हम उसे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बी ऐसे लिख दिया और सी। ठीक है, अगला देखते हैं 5 हमने लिख दिया, ये रहा ए भी ऐसे लिख दिया, बी को देखिए स्क्वायर है उसके ऊपर, तो देखिए 2 बार लिख दिया हमने, सी तो ऐसे लिख दिया। समझ आया? अब आगे देखते हैं उदाहरण 1। इसमें दे रखा है हमें 3a² bc प्लस 5ab² c का गुणन खंडन कीजिए, ये बोल रखा है हमें क्वेश्चन में। तो हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। ये हमने दे रखा है ना, तो देखिए इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, कॉमन। ठीक है, अब लेते हैं कॉमन, ए बी सी दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पे एक ए इसके साथ लिखेंगे, 3a बच गया यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ बच गया 5b, क्योंकि यहाँ 2 है ना, b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ क्या बच गया 5b। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमारा दूसरा उदाहरण ये है x³। ये किसी भी डिजिट के ऊपर 3 जैसा कुछ लिखा रहेगा ना, तो इसे हम क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। देखिए x³ 6y³ माइनस 6x² y माइनस xy² का गुणन खंडन कीजिए, ये हमने क्वेश्चन दे रखा है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लिख रखा है, ऊपर से नीचे ऐसे लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x के ऊपर क्यूब है ना, तो x वाली डिजिट एक जगह लिख लेंगे, यहाँ पे भी x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे ये दोनों एक जगह लिख दिया। अब यहाँ पे y है ना, दोनों बचा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं देखिए, यहाँ पे दोनों में x है ना, x, तो x की यहाँ पे पावर कितनी है, 3, क्यूब में है यहाँ पे, तो क्यूब क्या 3 है ना, यहाँ पे 2 है, तो x 2 लिख लेंगे क्योंकि इसके पास 3 नहीं है, उस चलते यहाँ पे x 2 लिख लेंगे, माने स्क्वायर। अब अंदर क्या बच गया, एक x बच गया, 2 तो आगे दे दिया ना, यहाँ पे एक x बच गया लिख दिया, और यहाँ पे 2 स्क्वायर तो बाहर ही दे दिया, और फिर यहाँ पे बच गया 6 और y। ठीक है, ऐसे लिख दिया। आगे देखते हैं, या ये वाला, इसमें दोनों में y आ रहा है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 से तो छोटा है ना उसके पास, स्क्वायर में है, तो यहाँ पे y स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पे x अंदर बच गया ना, x, तो फिर यहाँ पे x लिख दिया, x बचा है, और फिर यहाँ पे एक तो y बच रहा है ना, 2y आगे दिया है, कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बच गया 6y। देखिए इसमें हमने कॉमन ले लिया ये वाले, अब इनमें से ये जो अंदर वाले हैं ना ब्रैकेट के अंदर, वो एक जगह लिख लिया, और ये बाहर वाले, ये वाले और ये वाले, वो एक जगह लिख लिया। अब ये स्क्वायर में दोनों लिख रखा है, दोनों स्क्वायर में हैं, ये तो नीचे से ऊपर लिख दिया, मैंने ऊपर से वाला नीचे लिख दिया, और स्क्वायर में है उस चलते इसे 2 बार लिख दिया। थर्ड उदाहरण हमारा दे रखा है x² + 6x + 8 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए हम ये क्वेश्चन हमने उतार लिया, अब बोल रखा है इसमें 8 को किस तरीके से लिखे कि मल्टीप्लाई और प्लस करने पे हमारा 6 आना चाहिए, 6x। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। ये आगे और पीछे वाले डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की जगह कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
एट ही आएगा। तो अब एट का हम एलसीएम करेंगे, एट एट का एलसीएम करेंगे, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू वन जा टू। अब इनमें हमारा आंसर छुपा है, तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर मल्टीप्लाई टू। ये देखिए चार को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा चार तो चार का दो से मल्टीप्लाई करेंगे छः ही आएगा, और प्लस करने पे भी हमारा छः ही आ रहा है, तो हम ये वाला आंसर ठीक है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया, छः आ रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे लिख लिया हमने। और फिर इसमें हमें कॉमन लेना है, देखिए हमने कॉमन लेना है अब इसमें, इन दोनों में तो एक्स दोनों में है, तो एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक एक्स और टू, एक एक्स तो बाहर दे दिया ना यहाँ, इसलिए टू बच गया। और फोर के टेबल में एट आता है, तो फोर बाहर कॉमन ले लिया और एक्स अंदर बच गया, और टू आता है, अब फोर के टेबल में एट टू पे आता है, कर लिया। और फिर ये ब्रैकेट वाले यहाँ पे लिख देंगे, और ये बाहर वाले हैं सो यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है उदाहरण, इसे हमें सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन में सिक्स एक्स प्लस एटीन। तो हम फोर को किस तरीके से तोड़ें कि उसे हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर को हमने तोड़ दिया, थ्री प्लस वन हो गया, एक्स प्लस थ्री लिख दिया। और फिर हम सिक्स के टेबल में एटीन कितने पे आता है, कॉमन लेना आता है ना, वैसे ही कॉमन लेंगे, सिक्स बाहर ले लिया, अंदर एक्स और बाहर माने कि ब्रैकेट के अंदर थ्री ले लिया, सिक्स के टेबल में थ्री पे आता है एटीन, और चलते ये कॉमन ले लिया। आगे देखते हैं, हमने इसको ब्रैकेट में लिखा था ना थ्री प्लस वन, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में। अब इस इन दो इन सब में से अब कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेते हैं आता ही होगा, अब देखते हैं कॉमन कैसे लेंगे। एक्स यहाँ पे बाहर ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक्स है इनमें, और एक्स एक बचा अंदर, और थ्री यहाँ पे, और इसके ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं तो इसलिए इसके बाहर वन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस थ्री, ये हमारा आ गया। अब नीचे एज इट इज़। आगे देखते हैं, एक्स प्लस थ्री यहाँ ये ब्रैकेट वाला ये रहा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री यहाँ लिख दिया, और ये बाहर वाला एक्स प्लस वन ये बाहर वाला अंदर लिख दिया। अब देखिए ये वाला और ये वाला काट दिया, सेम है, अब क्या बच गया, ये वाला हमारा बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणन खंडन कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, आठ एक्स वाई क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसे हम कॉपी में अच्छे से समझेंगे, तो हम कॉपी में इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट, इसमें इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है, तो देखिए एक्स वाई दोनों के पास है, दोनों के पास है तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं एक्स और वाई, वाई तो तीन है इसके पास दो, तो दो कॉमन लेंगे क्योंकि इसके पास एक नहीं है। अब देखिए अंदर क्या बच जाता है, एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, आठ बच रहा है, और इसके पास एक बच रहा है क्योंकि दो लिया है। अब यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें बी वाले एक तरफ कॉमन लेंगे, इसमें है टू ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें दोनों में स्क्वायर वाले एक तरफ ले लेते हैं, टू ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वाले ये भी हैं तो ये ले लेते हैं यहाँ पे, और ये ए स्क्वायर वाले यहाँ पे लिख लेते हैं, हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है बी स्क्वायर, यहाँ बच गया अंदर टू ए, ये वाले बच गए, प्लस ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बच गया ये माइनस टू बी, ठीक है माइनस टू बी, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट वाले एक तरफ लिख लेते हैं, लिख लिया, और ये दोनों एक तरफ लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
अब स्क्वायर में तो स्क्वायर वाले क्या होते हैं, डबल लिखा जाता है, तो उसे हम डबल लिखेंगे। बी प्लस ए ये हमारा क्या हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। इसमें हमें क्या करना है, 12 को किस तरीके से लिखे कि प्लस और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 और 12 आए। तो देख लेते हैं, 12 का हम एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6, 2 2 6 12, 2 तिया 6, 3 1 3 हो गया। अब इनमें हमारा आंसर छुपा है तो क्या कर लेते हैं, 3 1 3 6 मल्टीप्लाई 2, 6 6 12, 12 तो हमारा आ रहा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया, और 6 और 2 को प्लस करेंगे 8 आएगा, तो ये हमारा ठीक बैठ रहा है। तो कर लेते हैं एक्स प्लस 6 प्लस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 12, ठीक है। अब करते हैं इसे 6x प्लस 2x, यहाँ कुछ किसी का साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होता है। अब इनमें से कॉमन हम लेंगे, चलिए कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, एक्स कर ले लिया, यहाँ क्या बच गया, एक एक्स बच गया ना, और यहाँ बच गया 6 हो गया। इनमें क्या कॉमन है, 2 2 ले लेते, क्योंकि दोनों दोनों 2 के टेबल में 12 आता है ना, कितने पे आता है 6 पे, यहाँ 6 लिख लिया हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले एक तरफ लिख लेते हैं और बगैर ब्रैकेट वाला एक तरफ लिख लेते हैं, हो गया, ये हमारा क्या होगा आंसर। फोर्थ पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, इसे हमें सॉल्व करना है पिछले वाला की तरह एकदम सेम है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है, 8 पे, ये 4 पे, ये 2 पे, ये 2 1 2, ये हो गया। अब इनमें हमारा आंसर छुपा, देखते कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हो गया। अब देखते हैं 2 2 4 4 2 8 मल्टीप्लाई 2, देखते हैं 8 1 8 8 16 आ गया हमारा। अब 8 8 8 और 2 10, ये भी आ गया हमारा, तो ये हमारा ठीक बैठ रहा है। तो हम ये लिख लेते हैं 8 प्लस 2 x प्लस 16, हो गया। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं, हो गया। अब आगे लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन लेना है, इनमें क्या कॉमन है, एक्स, एक्स कॉमन है, यहाँ क्या बच गया एक्स, और यहाँ 8, हो गया। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 के टेबल में ये आता है ना 16, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है एक्स, 16 कितने पे आता है, 16 8 पे आता है ना, ये 8 हमने लिख लिया, ये दोनों के आगे कॉमन, तो ब्रैकेट वाले एक तरफ लिख लेते हैं, बगैर ब्रैकेट वाले एक तरफ लिख लेते हैं, हो गया ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, उसके सारे पार्ट कर लिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो फर्स्ट हमारा हम कॉपी में समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 6x प्लस 18, ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 6 को हम, 6 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 3, ये कॉमन लेना आता है ना 6 के टेबल में, 18 3 पे आता है, ठीक है, अंदर कॉमन एक्स रह गया। अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है। अब देखते हैं इसको, एक्स, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, कहाँ से लिखा है, ये दे रखा है ना, ऐसे अप्लाई करनी है, 6x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं, सेम है, उस चलते काट दिया, अब क्या बच गया यहाँ, एक्स माइनस 3 अपॉन में 6, ये हमारा आंसर आ गया। अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ब्रैकेट,
एक्स प्लस टू, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, टू प्लस वन एक्स प्लस टू, ये हो गया। नीचे क्या है हमारा, एक्स प्लस टू। अब इसे इसकी फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो गया। एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये हो गया। अब यहाँ प्लस दो अपॉन में है एक्स प्लस टू। अब हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे और एक एक्स बच गया क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ टू हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कोई कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो क्या हम वन ले लेते हैं बाहर, ये हो गया। अब नीचे एक्स प्लस टू, अब ये ब्रैकेट वाले एक तरफ लिख लेते हैं और ये वाले एक तरफ, हो गया। अब देखिए एक्स प्लस दो, ये दोनों कट रहे हैं, काट दिया, क्या आंसर आ गया, एक्स प्लस वन, ये हमारा आंसर है। तो हमारा वर्कशीट आज का कंप्लीट होता है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।